वेलकम दोस्तों, आज हम सभी शहर व स्थानों के जो परिवर्तित नाम हुए हैं नवीन 2021 में, उन्हीं सब की चर्चा करेंगे। तो ये करंट वाला टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से करिए, आपकी जो आगामी परीक्षा है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं हमारे एग्ज़ाम में। ये हमारे सामने सभी शहरों के या स्थानों के जो नाम परिवर्तित हुए उनकी लिस्ट, तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम परिवर्तित होकर अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन हो गया है। तो याद रखिए, ये आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन किसका नया नाम जो है, ये इसका नया नाम क्या है, तो अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन है। ये ऐसे पूछा जा सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन का पुराना नाम क्या है, तो हबीबगंज। अगला है बोगीबिल पुल, तो बोगीबिल पुल जो है इसका नाम है अटल सेतु। बोगीबिल पुल का जो नया नाम है अटल सेतु है। और कांडला बंदरगाह जो है इसका है दीनदयाल बंदरगाह। तो याद रखिए, कांडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल बंदरगाह और बोगीबिल पुल का नाम अटल सेतु। इसके बाद अगला जो है नया रायपुर जो है इसका नाम अटल नगर हो गया है। नया रायपुर का नाम अटल नगर। साबरमती घाट का जो नया नाम है वो अटल घाट हो गया है। तो याद रखिए, नया रायपुर का नाम अटल नगर, साबरमती घाट का नाम अटल घाट। अगला जो है रोहतांग सुरंग, रोहतांग जो सुरंग है इसका नाम अटल सुरंग हो गया है। रोहतांग सुरंग जो हिमाचल प्रदेश में पड़ती है इसका नाम अटल सुरंग हो गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है इसका नाम अटल पथ हो गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस का नाम अटल पथ और हजरत चौराया, हजरतगंज चौराया का नाम अटल चौक हो गया है। तो ये याद रखिए, कुछ नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है। उसके बाद अगला है अगरतला हवाई अड्डा जो है इसका नाम महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा हो गया है। तो याद रखिए, अगरतला हवाई अड्डा महाराजा वीर विक्रम। मुगल सराय रेलवे स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन इसका नाम हो गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। उसके बाद अगला जो है वल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन, वल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम अमर शहीद राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन। वल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का जो नया नाम हो गया है वो अमर शहीद राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन। गोरखपुर हवाई अड्डे का जो नया नाम है वो हो गया है, गोरखपुर हवाई अड्डे का नया नाम जो है महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा। मियाँ का बाड़ा जो गांव है, बारमेर जिला राजस्थान में गांव पड़ता है, इसका नाम महेश नगर हो गया है। याद रखिए, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि मियाँ का बाड़ा गांव जो है महेश नगर। अगला जो है अहमदाबाद, ये अलग अलग यहां पर सिटियों के नाम परिवर्तित हुए हैं। तो याद रखिए, अहमदाबाद जो है, शिमला जो है, इलाहाबाद जो है, कर्णावती, शामला, प्रयागराज, ये जो इनके नाम है, अहमदाबाद का कर्णावती हो गया है, शिमला का श्यामला हो गया है और इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया है। तो ये तीन सिटी याद रखिए, एक बार पुनः बता देता हूँ कि जो अहमदाबाद का नाम है वो जो हो गया है कर्णावती, उसके बाद शिमला का नाम श्यामला हो गया है और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। फैजाबाद का जो नया नाम है वो है अयोध्या, फैजाबाद का अयोध्या। गुड़गांव का जो नया नाम है वो गुरुग्राम। अलीगढ़ का नया नाम जो है हरिगढ़। तो ये नाम कुछ है जगहों के, ये आपके एग्ज़ाम में बन सकते, तो इनको ज़रूर आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। उसके बाद झारसुगुड़ा हवाई अड्डा जो है उड़ीसा में, इसका नाम वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा हो गया है। उसके बाद अगला जो है एकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है, जिसको अरकाना भी बोला जाता है, इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम हो गया। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए, एकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अटल बिहारी वाजपेयी। विल्हर द्वीप का नया नाम APJ अब्दुल कलाम हो गया, ये तो एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि विल्हर द्वीप का जो नया नाम है वो क्या है, APJ अब्दुल कलाम। हेवलॉक द्वीप का नया नाम स्वराज द्वीप है और नील द्वीप का जो नया नाम है वो शहीद द्वीप, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट लगा लेना। और रॉस द्वीप का जो नया नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये तीनों जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इन तीनों को आप ज़रूर इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, हेवलॉक द्वीप, नील द्वीप और रॉस द्वीप। इन तीनों के एक का स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। उसके बाद फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम परिवर्तित होकर अरुण जेटली स्टेडियम हो गया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। याद रखिए, फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम है इसका नाम अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है। भोपाल मेट्रो रेल का नया नाम भोज मेट्रो हो गया है। चेनानी नासिरी सुरंग है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग हो गया, चेनानी नासिरी सुरंग का। इसके बाद
प्रगति मेट्रो जो प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन है, इसका नाम सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन हो गया है। रेलवे सुरक्षा बल, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल, इसका नाम रेलवे के आगे भारतीय लग गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट जो है, इसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास हो गया है। अगला जो है राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान जो है, इसका नाम अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रस्थान संस्थान, याद रखिए अरुण जेटली के नाम पर इसका नाम रखा है। उसके बाद अंबाला सिटी बस स्टैंड जो है, अंबाला सिटी बस स्टैंड, इसका नाम सुषमा स्वराज बस स्टैंड, ये सुषमा स्वराज के नाम के आधार पर रखा गया है। उसके बाद विदेशी सेवा संस्थान का नाम सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान हो गया है, विदेशी सेवा संस्थान का नाम सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान। मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। अगला है मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है, इसका भी नाम परिवर्तित हो गया, शिक्षा मंत्रालय हो गया है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि मानव संसाधन विकास का नया नाम जो है शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस का नाम जो है, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे कर दिया है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। मुंडवा डीह रेलवे स्टेशन जो है, इसका बनारस जंक्शन, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिए मुंडवा डीह या मंडवा डीह रेलवे स्टेशन का नाम बनारस जंक्शन। उसके बाद मुग़ल म्यूज़ियम आगरा का जो नया नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम, मुग़ल म्यूज़ियम आगरा छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम। हुबली रेलवे स्टेशन जो हुबली रेलवे स्टेशन है, इसका नाम श्री सिद्ध रुद्रा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली कर दिया है। नौगढ़ रेलवे स्टेशन जो है उत्तर प्रदेश में, इसका नाम सिद्धार्थ रेलवे स्टेशन। अगला जो है सेक्टर मेट्रो स्टेशन जो नोएडा में है यूपी में, इसका नाम प्राइड स्टेशन कर दिया है, ये भी प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। जहाज रानी मंत्रालय का नया नाम पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय का नया नाम पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। अयोध्या हवाई अड्डा जो है, अयोध्या हवाई अड्डा, इसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया है, श्री राम के नाम पर जो है इसका नाम परिवर्तित कर दिया है। उसके बाद जो है दांदूपुर रेलवे स्टेशन यूपी में जो है, इसका नाम माँ बाराही देवी धाम कर दिया है, माँ बाराही देवी धाम। अगला जो है माजे हाइट ब्रिज, इसका नाम कोलकाता पश्चिम बंगाल जो में है, इसका नाम जय हिंद कर दिया है, याद रखिए मांजे राइट ब्रिज कोलकाता पश्चिम बंगाल में जो है इसका नाम जय हिंद कर दिया है। लास्ट है गोरेवाड़ा चिड़ियाघर जो है महाराष्ट्र में, इसका नाम बाला साहब ठाकरे गोरवाड़ा प्राणी संस्थान, बाला साहब ठाकरे गोरवाड़ा प्राणी संस्थान। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं जो परिवर्तित हुए हैं, ये स्थानों के नाम हैं। उसके बाद बहुत सारे जो शहर हैं उनके भी नाम हैं, तो इन नामों को आप ज़रूर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।